तो 1960s के एंड में क्लेवरे शहर के अंदर एक बहुत ही मशहूर चोर हुआ करता था जिसका नाम था डायबोलिक। तो डायबोलिक अपनी जैगुआर में क्लेवरे शहर का नेशनल बैंक लूटकर भाग रहा था। पुलिस भी उसके पीछे हाथ मुंह धोकर पड़ी हुई थी। डायबोलिक ने पुलिस का बहुत पेट्रोल खर्च करवाया क्योंकि उस टाइम पेट्रोल था भी सस्ता। पुलिस को इतने चक्कर कटवाने के बाद एक टाइम ऐसा आ गया जब डायबोलिक को आगे और पीछे दोनों जगह से घेर लिया गया। उसी वक्त डायबोलिक ने एक बटन दबाया और सड़क इसके लिए मॉडिफाई हो गई। पूरी दुनिया में सिर्फ डायबोलिक कह सकता है कि ये सड़क मेरे बाप की है। इसके बाद डायबोलिक ने गैस छोड़ दी, मतलब उसकी कार ने, और फिर वो पुलिस वालों से बच निकला। लेकिन एक पुलिस वाला था जो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, इंस्पेक्टर जेंको। लेकिन डायबोलिक ने इंस्पेक्टर जेंको का भी पागल बना दिया। इसके बाद जॉर्ज को दिखाते हैं जो भरी महफिल छोड़कर एक खूबसूरत लड़की के पास जाता है। इस लड़की का नाम है ईवा कैंट। इसने एक रईस बुड्ढे से शादी करी थी और फिर उस बुड्ढे के मरने के बाद ये भी रईस हो गई। अब जैसे कि लेडी कैंट सिंगल थी तो जॉर्ज उससे ब्याह करना चाहता था और लेडी कैंट बिना ब्याह करे ही जॉर्ज का फायदा उठाना चाहती थी। जॉर्ज पहले तो उसे आज रात यहीं रुकने के लिए कहने लगा लेकिन लेडी कैंट नहीं मानी। फिर जॉर्ज ने कहा कि कम से कम मैं आपको घर तो छोड़ ही सकता हूँ, मगर लेडी कैंट अकेले जाना चाहती थी। ये वही बात है कि सामने वाले में आप जितना कम इंटरेस्ट लोगे सामने वाला आप में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, और ये साइकोलॉजी लेडी कैंट बहुत अच्छे से जानती थी। इसके बाद जब वो पैदल घर जा रही थी तो कोई उसका पीछा करने लगा। असल में ये और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर जेंको था। उसने लेडी कैंट को बताया कि वो खतरे में है और फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में गए जहाँ इंस्पेक्टर जेंको ने लेडी कैंट को सावधान रहने के लिए कहा क्योंकि लेडी कैंट साउथ अफ्रीका से अपने साथ पिंक डायमंड लाई थी जो कि बेहद बेशकीमती था, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायबोलिक उस पिंक डायमंड को चुराने की कोशिश ना करे। इसलिए इंस्पेक्टर जेंको ने लेडी कैंट की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि वो कौन से होटल में रुकी है और वो हीरा उसने कहाँ पर रखा हुआ है। तो पिंक डायमंड की लोकेशन के बारे में लेडी कैंट, होटल के मैनेजर और इंस्पेक्टर जेंको को पता था। जाने से पहले इंस्पेक्टर ने ईवा को बताया कि डायबोलिक को आज तक किसी ने नहीं देखा है, वो कोई भी हो सकता है, मेरे पीछे बैठा हुआ आदमी या फिर वेटर जो भी यहाँ से गया या फिर मैं खुद भी। ईवा कैंट ग्रैंड होटल एक्सेलसियर में रुकी हुई थी जहाँ उसे उसका पर्सनल वेटर प्रोवाइड कराया गया था जिसका नाम था रोबर्टो। रोबर्टो यहाँ अपने साथियों से बात कर रहा था तभी हम देखते हैं कि इस रूम में माइक्रोफोन लगा हुआ है जो इनकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। डायबोलिक इनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद जब रोबर्टो घर जा रहा होता है तो डायबोलिक ने अपने चाकू से उसे मार गिराया, फिर उसने रोबर्टो की लाश को सीवर में फेंक दिया। अब पहली बार डायबोलिक का फेस दिखाया जाता है। वो यहाँ रोबर्टो की रिकॉर्डिंग सुन रहा था और उसकी आवाज़ की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। उसने ऐसा तब तक किया जब तक कि उसने रोबर्टो की आवाज़ पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर ली। इसके बाद एक महिला को दिखाते हैं जो काफ़ी परेशान लग रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि डायबोलिक की बीवी एलिजाबेथ है। ये परेशान थी क्योंकि डायबोलिक बहुत टाइम से घर नहीं लौटा था। इधर लेडी कैंट का होटल में स्वागत किया जाता है। होटल के मैनेजर ने उसे बताया कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप रोबर्टो को बुला सकती हो, और ठीक उसके तुरंत बाद रोबर्टो वहाँ पर आ गया। असल में डायबोलिक ही था जो भेष बदल कर यहाँ पर आया था। जब लेडी कैंट नहाने चली गई तो डायबोलिक तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगा। ये तिजोरी इतनी हाई सिक्योरिटी वाली थी कि डायबोलिक को इसे खोलने में सिर्फ 2 मिनट लगी, मतलब मैगी बनने में भी इससे ज़्यादा टाइम लगता है। तभी फ़ोन की घंटी बजी और ईवा बाथरूम से बाहर आ गई। डायबोलिक उसे फ़ोन पर बात करते हुए देख रहा था और फिर उसने लेडी कैंट से पूछा कि उसे और कुछ तो नहीं चाहिए। लेडी कैंट ने मना कर दिया और फिर डायबोलिक यहाँ से चला गया। ए मान जा कैमरामैन, कहाँ तक जाएगा पीछू पीछू। इसके बाद डायबोलिक की बीवी एलिजाबेथ घर आती है और वहाँ वो डायबोलिक को देखते ही उसके गले पड़ गई, गले लग गई। डायबोलिक ने उसे बताया कि उसे आज रात ही निकलना होगा। ये सुनकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि कम से कम मेरे साथ खाना तो खा लो। डायबोलिक भी लाइक, मैं भी डाइट पर हूँ। जॉर्ज याद है जो लेडी कैंट से ब्याह करना चाहता था, ये काफ़ी रईस है और जस्टिस मिनिस्टर भी, इसलिए इसे लग रहा था कि ईवा उसके प्यार में पागल हो जाएगी। लेकिन ईवा ने तो साइकोलॉजी में PhD कर रखी थी, उसे पता है कि कब किसको कितनी घास डालनी है। रात में डायबोलिक ईवा के रूम में पहुँच गया, उसने फटाफट तिजोरी खोल ली, लेकिन तभी ईवा वहाँ पर आ गई। डायबोलिक ने पीछे से उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और उसे डराने की कोशिश की, लेकिन ईवा कैंट उससे नहीं डरी, मतलब 1% भी नहीं डरी।
इवन उसने डायबोलिक को बताया कि पिंक डायमंड नकली है, वो पहले असली डायमंड को बेच चुकी है और ये सिर्फ उसकी सस्ती कॉपी है, जैसे डायबोलिक बैटमैन की सस्ती कॉपी है। डायबोलिक ने कहा कि वो इसे चेक करेगा और अगर ईवा की बात झूठ निकली तो वो सिर्फ उसे मारने के लिए वापस आएगा। ईवा को पता नहीं क्या हुआ, वो डायबोलिक की बातों से अट्रैक्ट होने लगी और जैसे ही वो उसके करीब आई डायबोलिक बैटमैन की तरह गायब हो गया। अब वो खुलेआम ये काला स्विम सूट पहन के सड़क पर ड्राइव कर रहा था, किसी ने उसे नोटिस नहीं किया क्योंकि सड़क पर और कोई था ही नहीं। फिर डायबोलिक ने हीरे की जांच की और ईवा की बात सच निकली। इसके बाद एलिजाबेथ को दिखाते हैं जो देर रात में उठ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे जमीन के नीचे से एक आदमी निकलता हुआ दिखा, वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। एलिजाबेथ बहुत घबरा गई और उसे किसी के आने की आवाज़ भी आई। डर के मारे उसने डंडा उठा लिया, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि डायबोलिक था। फिर एलिजाबेथ ने डायबोलिक को हड़बड़ाते हुए बताया कि उसने जमीन के नीचे से बिल्कुल तुम्हारे जैसे सूट पहने हुए किसी आदमी को निकलते हुए देखा था। एलिजाबेथ इतनी ज़्यादा डंबलडोर थी तभी डायबोलिक हफ्तों हफ्तों घर नहीं आता था। उसने एलिजाबेथ को कन्वेंस कर लिया कि ये सिर्फ उसका बहम था। अगले दिन ईवा कैंट को उसकी रिंग वापस मिल गई। उसने रोबर्टो को अपने पास बुलाया और फिर हमें पता चलता है कि रोबर्टो के नकाब के पीछे डायबोलिक था। अब डायबोलिक ने उसे किस किया और फिर ये दोनों बैठ के चिटचैट करने लगे। ईवा उससे जानना चाहती थी कि वो उस पर ट्रस्ट करता है या नहीं। डायबोलिक का दिल उस पर ट्रस्ट करना चाहता था लेकिन उसका दिमाग उसे ऐसा करने से रोक रहा था। इस दुनिया में ईवा पहली इंसान थी जिसने डायबोलिक का चेहरा देखा था। हालांकि उसकी बीवी ने भी उसका चेहरा देखा था लेकिन वो उसे वॉल्टर के नाम से जानती थी। जब ईवा ने उससे पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है तो डायबोलिक ने कहा कि लोग मुझे वॉल्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नाम भी नकली है। डायबोलिक ने उसे अपनी असली पहचान बताने से मना कर दिया। फिर ईवा ने अपने बारे में बताया। उसने बताया कि जॉर्ज उससे शादी करना चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहती, इसलिए जॉर्ज ने मुझे धमकी दी कि वो मेरा अतीत सबको बता देगा। उसके पास मेरे अतीत से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने अपनी ऑफिस की सेफ में रखे हुए हैं। उनके ही दम पर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। इसके बाद डायबोलिक ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें वापस मिल जाएंगे, वो भी कल तक। डायबोलिक ने उससे कहा कि वो कल दोपहर मिडडे कैफे में उसका इंतज़ार करे और जो भी आदमी तुम्हारे पास आकर कहेगा गू खा लो तो समझ जाना वो मैं हूँ। तभी यह मैनेजर आ गया। उसे लगा रोबर्टो लेडी कैंट के साथ कुछ गलत काम कर रहा है, इसलिए वो चाबियाँ ढूंढने के बहाने रोबर्टो को ढूंढने लगा। डायबोलिक अलमारी में छुपा हुआ था जहाँ पर चेक करने के लिए मैनेजर कभी भी आ सकता था। तभी हम देखते हैं कि ईवा कोड लैंग्वेज में बात कर सकती है, बिल्कुल डायबोलिक की तरह। उन दोनों ने कोड लैंग्वेज में बात करके मैनेजर का ध्यान भटकाया और फिर डायबोलिक यहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ एलिजाबेथ गार्डन में वो रास्ता ढूंढने लगी जहाँ से उसने कल रात उस कोड वाले आदमी को निकलते हुए देखा था। गोपी बहू एलिजाबेथ को वो रास्ता मिल गया और जैसे ही वो नीचे गई उसे वहाँ बहुत सारे चेहरे दिखे जिन्हें देखकर उसे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ ही गया था, लेकिन यहाँ पहली बार उसे महिला होने का फायदा मिल गया। फिर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी बड़ी जल्दी यहाँ पर पहुँच गई। इंस्पेक्टर जैंको को अंदाज़ा हो गया कि ये ज़रूर डायबोलिक है, इसलिए उसने अपने सभी आदमियों को काम पे लगा दिया। इसके बाद हम डायबोलिक को देखते हैं जिसने सड़क के बीचों बीच अपने लिए खुफिया सुरंग बनाई हुई थी जो सीधा इसके अंडरग्राउंड हाउस में जाती थी। अब ये कहने में कोई डाउट नहीं है कि सड़क सच में इसके बाप की है। हालांकि पुलिस पहले से इसके इंतजार में खड़ी थी। इसके बाद डायबोलिक ने भागने की कोशिश की लेकिन वो पकड़ा गया। अगले दिन ईवा मिडडे कैफे में उसका वेट कर रही थी। एक बार को तो उसे लगा कि डायबोलिक ने उसे गोली दे दी है, लेकिन फिर उसने लोगों की बात सुनी तो उसे पता चला कि डायबोलिक को अरेस्ट कर लिया गया है। अब डायबोलिक की कोर्ट हियरिंग दिखाते हैं जहाँ उसने एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि ईवा और डायबोलिक एक दूसरे से कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। डायबोलिक ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, जैसे कि उसे उस दीवार की तीसरी ईंट को दबाना है जिस दीवार पर यहाँ मूतना मना है लिखा हुआ है। तीसरी ईंट दबाते ही वो दीवार खुल गई। अंदर डायबोलिक की कार खड़ी हुई थी। वो कार लेकर ईवा उसी रोड पर पहुंची जहाँ सुरंग बनी हुई थी। सुरंग के रास्ते वो डायबोलिक के अंडरग्राउंड हाउस में पहुंच गई। फिर वहां से कुछ ड्रग्स लेकर वो जॉर्ज के पास पहुंच गई। डायबोलिक को मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी, इसलिए उसने जॉर्ज को कन्वेंस कर लिया कि वो उसे डायबोलिक की मौत से पहले एक बार मिलने दे। जॉर्ज उसकी बात मान गया क्योंकि उसने बात को रखा ही ऐसे था कि जॉर्ज अगर मना करता तो उसकी रेपुटेशन कम हो जाती, लेकिन जॉर्ज भी उसके साथ चलना चाहता था। जुगाड़बाजी से वे लोग डायबोलिक से मिलने पहुंच गए। उनके बीच आधे घंटे बात हुई। इसके बाद जॉर्ज और ईवा बाहर आ गए।
अगले दिन डायबोलिक को मारने के लिए गिलोटिन की धार बनाई जाने लगी। यहाँ पर मौत की सजा सर धड़ से जुदा करके दी जाती थी। डायबोलिक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मरने से पहले भी वो बिल्कुल शांत था। ये बात इंस्पेक्टर जेंको को काफी अजीब लग रही थी। तभी जेंको के साथी ने डायबोलिक को देखकर कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे डायबोलिक ने ड्रग्स ले रखे हो। ये सुनते इंस्पेक्टर जेंको के दिमाग की बत्ती जली, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही काम तमाम हो गया। असल में डायबोलिक नहीं बल्कि जॉर्ज था। यहाँ हमें पता चलता है कि डायबोलिक ने पहले ही जॉर्ज का चेहरा बना रखा था और उस रात ही वह 2 मास्क लेकर आई थी और 2 ड्रग्स। पहले ड्रग्स से जॉर्ज ने अपनी सेफ का कोड बता दिया और ये भी बता दिया कि उसने डायमंड और ज्वेलरी कहाँ पर रखी हुई है, और दूसरा ड्रग उसे होश में भी बेहोश रखने के लिए था। इधर डायबोलिक जॉर्ज बनके उसके ऑफिस गया और वहां से ईवा की फाइल ले आया। पुलिस भी वहां पहुंच गई, हालांकि हमेशा की तरह वो देर से पहुंचे। इसके बाद एक अमीर लेडी को दिखाते हैं जो अपना कीमती सामान सबसे सुरक्षित लॉकर में रख रही थी। ये लॉकर कई परतों से मिलके बना हुआ था जिससे इसकी सिक्योरिटी डबल हो जाती है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जेंको डायबोलिक को पकड़ने का प्लान बना रहा था। उसे पता था कि इस वक्त सबसे ज्यादा माल किसके लॉकर में है, इसलिए इंस्पेक्टर ने अंदाजा लगा लिया कि डायबोलिक अब वही मुंह मारेगा। इधर उस अमीर महिला को दिखाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि ईवा कैंट थी। ईवा ने अब डायबोलिक को लॉकर की सारी जानकारी दे दी। डायबोलिक ने प्लान बनाया कि वो सीवर के रास्ते से लॉकर में घुसेगा। लॉकर रूम में सेंसर लगे हुए थे, इसलिए उसने वहां पानी भर दिया ताकि कोई भी सेंसर पानी में उसे डिटेक्ट ना कर पाए। अब पुलिस भी यहां आ चुकी थी। इंस्पेक्टर जेंको को यकीन था कि वो सीवर में से ही निकलेगा, इसलिए उसने पास के सभी सीवर्स पर अपने आदमियों को खड़ा कर दिया। हालांकि ईवा की मदद से डायबोलिक बाहर आ गया, लेकिन 2 पुलिस वाले यहीं खड़े हुए थे। उसने अपने चाकू से 2 पुलिस वालों को ठिकाने लगा दिया। इससे पहले वो पानी के रास्ते से यहाँ से निकलता, इंस्पेक्टर ने उसे शूट कर दिया। इंस्पेक्टर जेंको को लगा कि उसने डायबोलिक को पकड़ लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ ईवा भी है। ईवा की मदद से डायबोलिक को मौका मिल गया और वे दोनों बोट में बैठकर निकल गए। इंस्पेक्टर जेंको ने दूर से ही देखता रह गया। कुछ दिनों बाद डायबोलिक ने ईवा को इम्प्रेस करने के लिए असली पिंक डायमंड दे दिया, लेकिन ईवा को अब सिर्फ डायबोलिक चाहिए था, ना कि कोई पत्थर का टुकड़ा। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।